विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने मनाया है और ये प्रोग्राम अब अभी चल रहा है और थोड़ी देर में समाप्त होगा। जी हमने 15 बच्चों को पुरस्कार दिया है जो हाई स्कूल और इंटर में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं उनको प्रस्तुत किए हैं। भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम हम और करेंगे। मैं डॉक्टर पवन कुमार विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बाल रोग विभाग बुंदेलखंड राजकीय राजेंद्र कॉलेज झांसी एंड ओनर ऑफ आरोग्यम आयुर्वेद क्लिनिक सर्वनगर गेट नंबर 1 झांसी। आज बहुत ही अच्छा दिन है और भगवान विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पी, इस जगत के कहें तो निर्माता, स्किल के देवता, उनकी आज पूजा का दिन है। आज इस दिवस के अवसर पर ये सभी लोगों के लिए एक उनके स्किल, जो भी क्रिएशन कर रहे हैं, वो जो भी नया कुछ कर रहे हैं, जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं, उसके पुनरीक्षण का दिन है। आज के दिन हमको भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के साथ साथ हमने साल भर में क्या नया कुछ किया, क्या हमने अपने कार्य में कुशलता, विशेष कुशलता क्या पाई, उसका भी पुनरीक्षण करने का दिन है। तो मैं सभी लोगों को आज के दिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ विश्वकर्मा पूजा की। आज हमारे द्वारा यहाँ पर एक निःशुल्क कैंप का भी आयोजन किया गया है जो अभी चल रहा है, अभी चलेगा, जब तक ये पेशेंट रहेंगे तब तक ये कैंप चलेगा। डॉक्टर मदन मोहन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज विश्वकर्मा
समाज समिति द्वारा विश्वकर्मा पूजा का प्रोग्राम रखा गया, वहाँ पर हम उपस्थित हैं और चिकित्सा शिविर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं इस माध्यम से सभी को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस दिवस पर सभी को विश्वकर्मा सम्मान योजना लागू की है, सभी को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं नरेंद्र नामदेव, पार्षद वार्ड नंबर 28, आज समाज को और समस्त सृष्टि पर निवास करने वाले प्राणियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती पर मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूं। और जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है और उस जीवन से जुड़े जो भी संसाधन थे उनका आविष्कार भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है और हम अपने कौशल को विकास के रूप में एक मिशन के रूप में लेके हम भी कुछ ना कुछ योगदान मानव जाति के लिए करें। और ये ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा के प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। और सभी का मैं पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।